नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। गरीबी रेखा के नीचे आने वाला बिहार अब धनवान हो गया है। जी हां, आपने सही सुना, गाड़ियों के मामले में बिहार करोड़पति की श्रेणी में आ गया है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल की बिक्री के बाद बिहार में निबंधित गाड़ियों की संख्या 1.01 करोड़ हो गई है। वहीं पूरे देश में निबंधित गाड़ियों की बात करें तो 28 करोड़ 64 लाख से अधिक है। इसमें उत्तर प्रदेश पैमाने पर पहले स्थान पर है, वहीं बिहार 13वें और झारखंड 15वें पायदान पर है। जानकार इसे देश की आर्थिक वृद्धि के लिए अच्छी सड़कें और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का प्रतीक भी मान रहे हैं। कोविड-19 के माहौल में वैसे ही अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा चरमरा गई है। ऐसे में बिहार के नाम इतनी बड़ी उपलब्धि होना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार में महंगी गाड़ियों के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। वाहनों की बिक्री से कर की आय में वृद्धि से इसकी पुष्टि होती है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग की माने तो बिहार में निबंधित गाड़ियों में 78 दो पहिया हैं, जो संख्या में 78,77,000 से अधिक है। वही मध्य और निम्न आय वर्ग के स्थिति में निरंतरता सुधार को दर्शाता है। वहीं बिहार सरकार के टैक्स के लिहाज से देखें तो गाड़ियों की खरीद में महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हालांकि अभी लोग दिल्ली से पीछे हैं। महाराष्ट्र के लोग प्रति गाड़ी औसत 27,000 से अधिक टैक्स चुकाने का काम करते हैं। इसी तरह गोवा में 24,000, तमिलनाडु में 18,000, उत्तर प्रदेश में 12,000, बंगाल में 15,000, दिल्ली में 11,000 टैक्स दे रहे हैं। बिहार में प्रति गाड़ी की खरीद पर लोग 10,571 का टैक्स चुकाते हैं, जो झारखंड के 10,447 से अधिक है। ऑटोमोबाइल लिमिटेड के निदेशकों की माने तो परिवहन क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि और मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की खुशहाली का पैमाना दोपहिया गाड़ियां ही हैं। चूंकि बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब सड़क और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, इसीलिए लोग जमकर दोपहिया गाड़ियों की खरीद कर रहे हैं। यही कारण है कि देश की तुलना में बिहार में दोगुनी गति से दोपहिया गाड़ियों की खरीद हो रही है। वहीं साझा किए गए आंकड़ों की बात करें तो बिहार में गाड़ियों की कुल संख्या 1.02 करोड़ है। वहीं यहां प्रति व्यक्ति आय 46,292 है। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गाड़ियों की कुल संख्या 4.03 करोड़ है, वहीं प्रति व्यक्ति आय 65,431 है। दिल्ली की ही बात करें तो यहां 1.35 करोड़ गाड़ियां हैं और प्रति व्यक्ति आय 3,54,004 रुपए है। इसके साथ ही उत्तराखंड में गाड़ियों की संख्या 0.34 करोड़ है और प्रति व्यक्ति आय 2,02,895 है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 0.64 करोड़ गाड़ियां हैं और प्रति व्यक्ति आय 75,587 रुपए है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां 3.15 करोड़ गाड़ियां हैं और प्रति व्यक्ति आय 2,02,130 है। वहीं पश्चिम बंगाल में गाड़ियों की कुल संख्या 1.40 करोड़ है, वहीं प्रति व्यक्ति आय 1,21,267 है। इसके साथ ही गुजरात की बात करें तो यहां 2.09 करोड़ गाड़ियां हैं, वहीं प्रति व्यक्ति आय 2,13,936 है। इसके साथ ही अगर हम कर्नाटक की बात करें तो ये गाड़ियों की यहां पर कुल संख्या 2.81 करोड़ है, वहीं प्रति व्यक्ति आय 2,26,796 है। इसके साथ ही अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहां 2.96 करोड़ गाड़ियां हैं, वहीं प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये 2,25,106 है। बिहार में जिस हिसाब से गाड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है वो देखने लायक है। लोगों का रुझान भी जिस तरह से गाड़ियों के प्रति बढ़ रहा है, उसे एक बात तो तय है कि बिहार में लोगों की कमाई में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।